Hello and welcome to Newsclick. The last 4 years of the Modi regime has seen continuous attacks on Dalits, on Kisans and workers. And the government, which is claiming to be also nationalist, has even not fulfilled the promise of one rank, one pension. On 9th of August, three big organizations, which includes All India Kisan Sabha, All India Ambedkar Mahasabha, an Indian ex-servicemen movement is giving call for massive agitations all across the country. Today we are going to talk about the same. And we are joined by Hannan Mollah, who is Secretary of All India Kisan Sabha, the General Secretary, Major General Satbir Singh from the servicemen movement, and Dr. Ashok Bharti from All India Ambedkar Mahasabha. Jai Bhim. So, Hannan, aapse start karte hain. All India Kisan Sabha ka ye 9th August ka jail bharo ka call tha aur 10 crore signatures jama karne ki bhi baat ki gayi aur BJP quit India kyunki ye ek significant date hai jahan pe quit India movement mein British ko quit India karne ka nara diya gaya tha wahan pe ye 9 August ko BJP quit India ka nara diya gaya iski jo mukhy demands hai wo kya hai mukhy demands hai ek to hai kisan ka jo fasal ka sahi dam jiske wajah se kisan khudkushi kar raha hai सही दाम नहीं मिल रहा है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम है सारे फसल का एक तो है और जो मिनिमम ऐलान करता है उसी दाम पे कोई प्रोक्योरमेंट नहीं है आप कुछ भी ऐलान कर दो प्रोक्योरमेंट जब नहीं होगा तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता एक है इसलिए उसका डेढ़ गुना दाम स्वामीनाथन का मुताबिक और उसका एश्योर्ड प्रोक्योरमेंट उसका है सेकेंड एज लोन हुए बार मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स आर इंडेटेड जो कर्जा में डूबे हुए हैं और मैं जो पूरा देश में 4 लाख खुदकुशी किया है मैं तो 15-16 राज्य में बहुत सारे घर गया जो खुदकुशी किया सबके एक ही बात है कर्जा है और वो कर्जा ज़्यादा प्राइवेट लोन है जो 20% से 60% तक ब्याज लेता है उसके दबाव से वो खुदकुशी ज़्यादा होता है और तीसरे जो है हमारा देश का भारी हिस्सा का जनता भूमिहीन है हमारा देश में जिसका ज़मीन है उसकी इज्जत है ज़मीन हमारा एक सोशल स्टेटस होता है मगर हमारा देश में दलित के पास ज़मीन है ही नहीं आदिवासी के पास ज़मीन था मगर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करके उसको पट्टा दिया नहीं जा रहा है और भूमिहीन खेत मजदूर किसान जो लाखों है मोर देन 35-40% पीपल जिसका ज़मीन नहीं है तो उसको ज़मीन के बिना उसको जीविका का कोई रास्ता नहीं होता है इसलिए सब लोग भूमिहीन को ज़मीन दो गृहहीन के लिए होमलेस के लिए कोई जगह रहने का दो और फॉरेस्ट राइट एक्ट को कालिगर जमीन संकट तीन हमारा मुख्य डिमांड है इसके साथ साथ हमारा किसान का 5000 रुपये का पेंशन है फिर और जो लागत खर्चा घटाने के लिए जो बातें हैं ये सब हमारा और डिमांड है ये सब डिमांड लेके हम 10 करोड़ सिग्नेचर का काम शुरू किया पिछले 3 महीना से चल रहा है किसान का घर घर जाके सिग्नेचर ले रहे हैं का मतलब है ये बात उसको सीधे बता सकता क्यों हम जेल भरो करेंगे इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसान से डायरेक्ट इंटरेक्शन उसके बाद 9 तारीख को वो हम जमा कर रहे हैं कलेक्टर को प्रधानमंत्री को लिखा है चिट्ठी उसमें 5 मांग है और उसमें सिग्नेचर करके कलेक्टर को दे के जय भाई प्रधानमंत्री के पास भेजो तो जलावारी वो जमा करेगा और जमा करके प्राइम मिनिस्टर को भेजेगा उसके बाद हम 9 अगस्त को एक्शन प्रोग्राम जो लिया है वो है हमारा जेल भरो जेल भरो का तैयारी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और डिटेल्स पर बात इन कोर्सों में बताएंगे अशोक जी आप पे आते हैं ये 2 अप्रैल को दलित ऑर्गेनाइजेशंस का एक भारत बंद का कॉल था और उसमें काफ़ी हिंसा देखने को मिली अपर कास्ट के द्वारा अटैक किया गया लगातार कई लोगों पे फर्जी केस दिए गए ये 9 अगस्त का जो कॉल है वो किस लिए है उसकी मुख्य डिमांड्स क्या हैं देखिए पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अक्सर मीडिया में 2 अप्रैल के आंदोलन में हुई हिंसा पर जिक्र होता है मैं फैक्ट्स आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि 2 अप्रैल के आंदोलन में 11 लोगों को की मौत हुई ये 11 के 11 लोग दलित थे और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग हिंसा करते हैं वो मारे नहीं जाते हमारे ऊपर अटैक हुए हमारे ऊपर हमले हुए मैं स्टेट की हिंसा की बात कर रहा हूँ स्टेट भी मुझे लगता है स्टेट ने भी स्टेट वॉज स्टेट जो है स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोलूजन में थी पुलिस और लोकल पॉलिटिकल पार्टी एक्टर्स
उनके बीच में एक रिश्ता था, उसकी वजह से ये सब हुआ। तो भाजपा वाले जो हैं, विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, जो उनके बजरंग दल है, ये सब लोग कभी भी दलितों के उभार से खुश नहीं थे, अभी भी नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक 9 अगस्त की कॉल है, हमने सरकार से ये उम्मीद की थी कि 2 अप्रैल के बाद जो देश के दलितों में गुस्सा देखा गया, आदिवासियों में गुस्सा देखा गया, सरकार उस गुस्से को का विचार करेगी। और चूंकि ये लोग कहते हैं कि हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम 5 तीर्थ बनाए, दलितों के लिए हम प्राण दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दलितों पर प्राण देने वाली सरकार जो 2 अप्रैल को दलितों के 20 मुद्दे थे उन पर विचार करेगी। लेकिन 30 जुलाई आखिरी तारीख थी जो हमने सरकार को वक्त दिया, 30 जुलाई की रात के 12 बजे तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए उन 20 मांगों पर, जिसमें मुख्य 3 मांगे जो हमारी हैं, पहली मांग ये है कि सहारनपुर के शब्बीरपुर में जो आगाजनी दलितों के घरों में हुई थी, उनके घर जला के राख कर दिए गए थे, वहाँ लोगों पर हमले हुए थे, तो हमने, हमारी पहली मांग ये है। और उस प्रोटेस्ट में, प्रोटेस्ट के बाद जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो 5 लोगों को रासुका में बंद किया गया है। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उसमें सोनू हैं, उसमें शब्बीरपुर के इलेक्टेड प्रधान जो है शिव कुमार हैं, उसमें मुजफ्फरनगर के रहने वाले नौजवान नेता उपकार भावरे हैं, और 2 अप्रैल को जो मेरठ में प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें वहाँ के एसपी ने, जिसका अब तबादला हो चुका है, उस एसपी ने जो है वहाँ पर एक पूर्व एमएलए हैं वर्मा, उनके ऊपर भी रासुका लगी। तो हमारी पहली मांग है इन तमाम लोगों पर से रासुका हटानी चाहिए और उनको जेल से आज़ाद किया जाना चाहिए। दूसरी मांग जो हमारी है, 2 अप्रैल के बाद करीब 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन पर मुकदमे, झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, यहाँ तक कि बच्चों को भी मुकदमे से बख्शा नहीं गया है। तो दूसरी मांग हमारी यह है कि इन तमाम लोगों को आज़ाद किया जाना चाहिए, इनके पे सारे मुकदमे हटाए जाने चाहिए। साथ के साथ जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो सरकार इंक्वायरी करवाती है। अभी तक सरकार, किसी भी सरकार ने इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं की कि कौन अपराधी था। तो हमारी मांग ये कि जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, जिससे कि 2 अप्रैल के का जो बात हो रही है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तीसरी जो हमारी मुख्य मांग है वो ये है कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने बिना दलित और आदिवासी की बात सुने 30 करोड़ लोगों का भविष्य तय कर दिया, उस एक्ट को सरकार को इस पार्लियामेंट के मानसून सेशन में उसको बिल के तौर पर पेश करके दोबारा पास किया जाना चाहिए, जिससे कि उसकी सैंक्टिटी, सोशल जस्टिस का जो करेक्टर है वो बरकरार रहे। इसके अलावा हमारी मांग है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो है उसको सरकार को करना चाहिए, 3 अगस्त से वो सुनवाई शुरू हो रही है। हमारी मांग ये भी है कि जुडिशरी जो है वहाँ ना दलित हैं, ना आदिवासी हैं, ना पिछड़ी जातियाँ हैं, ना महिलाएँ हैं, तो हमारी मांग ये है कि सरकार को सिविल सर्विस की ट्यून पर इंडियन जुडिशियल सर्विस की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि समाज का हर तबका उसमें आ सके। जैसे कि हन्नान मुल्ला साहब ने कहा है, हम भी मांग करते हैं कि प्रत्येक भूमिहीन व्यक्ति को, किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, गांव, जो भी भूमिहीन व्यक्ति है उसको गांव देहात में उसको कृषि के लिए 5 एकड़ जमीन दी जानी चाहिए। इसको लेकर जय भीम 5 एकड़ का बहुत समय से आंदोलन चल रहा है दलित आदिवासियों का, और शहर में जहाँ की ज़मीन अब बहुत ज़्यादा लोगों के हाथ से बाहर जा चुकी है, जिन लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह नहीं है उनको जगह दी जानी चाहिए। हम मनरेगा की जो डेली मजदूरी है उसको 500 रुपये प्रतिदिन करने की मांग कर रहे हैं। हम महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण है उसकी मांग कर रहे हैं। ऐसी हमारी और भी बहुत सारी मांगे हैं। हम साथ के साथ ये भी मांग कर रहे हैं कि देश की 85% से ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था है आजकल वो प्राइवेट क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र में है, लेकिन निजी क्षेत्र ने 2006 में CII और एसोचैम ने मिलकर वॉलेंट्रीली ये स्वीकार किया था कि वो एफर्मेटिव एक्शन लागू करेंगे। उनके वॉलेंट्री जो एक्शंस थे उन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई डाटा नहीं दिया है, कोई आंकड़े नहीं दिया है, वो सब एक ढकोसला था। इसलिए हम ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार पार्लियामेंट में कानून लेकर आए और कानून के जरिए निजी क्षेत्र में आरक्षण को लागू करे। और भी हमारी बहुत सारी मांगें, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त मैं इतनी कहना चाहता हूँ। लेट्स कम टू द इशू ऑफ एक्स सर्विसमैन।
Because the government, if you say anything, talks about the army. Demonetization is implemented and they're giving the argument that borders, at the border, the forces are fighting and you can't bear this much. But when it comes to implementation of one rank, one pension, they haven't done it. Can you throw some light on the demands that you're raising on the 9th August program? Right. You see, देशवासियों और सैनिक समाज के मेरे सभी लोग और हम तीन जो डिप्राइव्ड वर्ग इकट्ठे हुए हैं, इसका एम यही था कि हम तीन अपना अपना अलग अलग मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है. जैसे हम मेरे दोनों साथियों ने बताया आपको उनके इश्यूज़ को, तो हमने तीन तीन इश्यूज़ पहले लिए हैं. कुछ इश्यूज़ बहुत हैं, लेकिन तीन तीन इश्यूज़ लेकर हम सरकार को बता रहे हैं. और तीन कॉमन जो हैं हमारे सबके, वो 12 इशू के साथ हम सरकार को ये कह रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करो. वन रैंक वन पेंशन का जो तल्लुक है, वो सरकार बोलती जा रही है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब, कि हमने वन रैंक वन पेंशन दे दिया, जबकि ग्राउंड पे उन्होंने वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं किया है. वन रैंक वन पेंशन एक सिंपल तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ देशवासियों को, इसके दो भाग हैं डेफिनेशन के, जो हमने नहीं बनाए, जो सरकार ने बनाए हैं. इसकी डेफिनेशन हमने नहीं दी उनको, सरकार ने ये डेफिनेशन को बनाया कि जो भी डिफेंस पर्सनल रिटायर होते हैं, अगर उनका रैंक एक है और उन्होंने एक जैसी सर्विस करी है, इयर्स ऑफ सर्विस, उनको एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए जब भी कभी रिटायर हुए हों. दूसरा भाग यह है कि जब जब दर बदली होगी पेंशन्स की, वो दर पिछले वालों को सबको पास कर दी जाएगी. इसका मतलब यह है कि जो ब्रिजिंग द गैप बिटवीन करंट एंड द पास्ट पेंशनर्स, जो आज की पेंशन है वो सभी पिछले वालों को मिल जानी चाहिए. नौ, सरकार ने क्या किया है, सरकार ने पहली वाली जो दी है उसको भी तोड़ दिया और दूसरी वाली को ख़त्म कर दिया. ये दो भाग जो थे, उन्होंने बोला कि हम ये ऑटोमेटिकली पास टू पास पेंशनर नहीं देते. हम कह रहे हैं कि इक्वलाइजेशन हम करेंगे एट सम रेगुलर इंटरवल्स, पीरियडिक इंटरवल्स, एक अपना नवा लफज लेकर आगे. और उन्होंने ये बोल दिया कि हम आपको ये वन रैंक वन पेंशन है हमारी तरफ से. वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है, वो एक पेंशन जो एक रैंक और सात पेंशन बन गई, बिकॉज 5 साल तक उन्होंने अभी लगा दिया, ये पीरियडिक इंटरवल 5 साल बना दिया, तो ये है ही नहीं. तो सरकार पूरे देश को, पूरी दुनिया को, हमारे सैनिकों को ये गुमराह कर रहे हैं. और प्रधानमंत्री जी, जिनके ऊपर हमारा विश्वास था, आपको याद होगा कि 15 सितंबर 2013 को उन्होंने हमारे को वायदा किया रेवाड़ी में ले जाकर हम सबको, कि हमने अगर 2004 में हमारी सरकार बनी होती तो हम ये दे देते. हमारा सिर्फ एक ही सवाल इसके ऊपर है कि अगर आपने ये इसको सैंक्शन दी, ये हमने नहीं दी. जैसे मैंने पहले बताया कि कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज ने इस डेफिनेशन को 2009 में बनाया, उसके बाद 2011 में हमारे कुशियारी कमेटी बनी, उन्होंने भी इसी डेफिनेशन को दिया, उसके बाद यूपीए ने इसको पास किया और 26 फरवरी 2014 को इसके ऊपर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन इशू हो गया, लेकिन उसको लागू नहीं किया. नई सरकार आ गई, इन्होंने भी यही डेफिनेशन दी, और उसके बाद एक सवाल उठाया गया 2 दिसंबर 2014 को, और उस वक्त भी जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस स्टेट हैं उन्होंने यही डेफिनेशन फिर बोली. जब लागू करा उन्होंने 7 नवंबर 2015 को, तो उन्होंने लागू नहीं किया. हमारी यही दिक्कत है, और हम सरकार से ये कहते हैं कि जब तक आप हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन नहीं दोगे, तो ये वन रैंक वन पेंशन है ही नहीं जिसका आपने वायदा किया. एक तो ये है, बाकी जैसे इन्होंने जो अपने अपने तीन पॉइंट बताए, हमारा दूसरा पॉइंट यह है कि लगातार 1947 से हमारी फौजों की डिग्रेडेशन होती जा रही है, डाउनग्रेडेशन होती जा रही है, इक्वलेंस जो है वो निकाल नहीं रहे, तनख्वाहों के ऊपर नहीं देख रहे. हमारा रैंक स्ट्रक्चर, जैसे कि एक सिपाही जो एक एक पूरे देश के ऊपर मान और आन है, उसकी लास्ट हथियार है देश, फौज जो है पूरे देश की, और उनको इवन पियोन के से कम उसका ग्रेड पे रखा हुआ है. हमारे सिपाही का 2000 और मिनिमम पे उनका 2200 रुपया. हमारा JCO जो ग्रेड टू है, जो वेस्टेड ऑफिसर है, उसका 4000, और जो दूसरे हैं हमारे, इवन पुलिस, इवन CRPF, उनका 4200 है ग्रेड पे. सो ये दूसरी हमारी डिग्रेडेशन जो है, एवरी डे डाउनग्रेडेशन डिग्रेडेशन चलती जा रही. हम कहते हैं डाउनग्रेडेशन डिग्रेडेशन को बंद करो, रोकिए. जो तीसरा पॉइंट है, अभी अभी शुरू हो गया, कैंटोनमेंट्स को खोल देना. अरे कैंटोनमेंट हमारे, इधर सोचो, हमारा जवान जिसकी जो एक गांव से आकर उसको घर मिला है कैंटोनमेंट के अंदर, उसकी बच्चियां हैं जवान, और वो उधर बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, और यहां पे उसको खोल दो, तो क्या वो सुरक्षित हैं, उनकी बहू बेटियां?
तो ये एक कैंटोनमेंट कल्चर था, ये पता नहीं क्यों उन्होंने किया, क्या जो इतनी बड़ी जो ज़मीन है वो ज़मीन को किसी और इस्तेमाल में लाकर बिल्डर्स को देने के लिए, क्या इसके ऊपर और इस्तेमाल करने के लिए। तो ये तीन इशू हमने लिए हैं, तीन इनके, तीन हमारे, तीन और तीन जनरल जो हैं वो 12 इशू के साथ हम सरकार को कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनको पूरा करो, नहीं तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे 9 तरीके आंदोलन को और इसको और तेज करेंगे, फैलाएंगे और पूरे देश में इसकी जागृति लाएंगे। ये जो तीन अलग इश्यूज हैं उन पे भी आते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो मॉब वायलेंस है, मॉब लिंचिंग है काउ के नाम पे, बीफ के नाम पे बेसिकली, उससे जो सबसे ज़्यादा पीड़ित वर्ग, एक किसान का भी वर्ग उससे काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है। एक डिमांड है वुमेन रिजर्वेशन का और एक आधार का। जो वुमेन, जहाँ तक मुझे पता है कि शायद ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन ने भी इस 9 अगस्त के प्रोग्राम को अपना सॉलिडारिटी एक्सटेंड किया है, इन तीनों डिमांड्स के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहले है लिंचिंग, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये वर्वरता है, किसी हालत में इस तरह खून खराबा स्वीकार नहीं है, धर्म के नाम पे, जात या भाषा के नाम पे। वो जो हो रहा है पहलू खान से शुरू हुआ, एक के बाद एक होता रहता है। अलवर तो एपिक सेंटर बन गया ये पीट पीट के मारने का, राजस्थान बीजेपी की सरकार है। लिंचिंग इज इनह्यूमन, एनी हाउ कैन यू डू दिस। 40 से ज़्यादा घटना घटी और दर्जनों लोग इस तरह मारा गया, ज़्यादा मुस्लिम है उन दलित है। और ये जो कोई भी गाय लेके आप अपना घर से दूसरे घर भी जाओ तो रास्ता में थोड़ा दूरी है 2 किलोमीटर, तो आपको पीट पीट के बजरंग दली गुंडे ने मार देगा। ये जो लिंचिंग है, और आज ये लिंचिंग बच्चा चुरा के नाम पे किस तरह आदिवासी को महाराष्ट्र में मारा, तो ये लिंचिंग का वर्वरता खत्म होना चाहिए, अपराधी को सजा होना चाहिए। ये हमारा इसलिए चाहता है कि हमारा सभ्यता का खिलाफ है, ये है। दूसरे जो है हमारा वही महिला बिल कब से चल रहा है, और 33% रिजर्वेशन असेंबली लोकसभा, और जब ये विपक्ष में थे तब ये बिल लाने की बात कर रहे थे। बिल पास पेश हुआ मगर पास नहीं हुआ, ये सब जो है। तो महिला का अधिकार, आधा आबादी का जो हक है, हम इसको हमारा नाम दिया आंदोलन का हक की आवाज़, हक की आवाज़। तो हमारा जो हक पर जो जुल्म हो रहा है इसको माना नहीं जा रहा है, इसके लिए ये महिला का भी एक हक का आवाज़ है। और तीसरा है आधार, आधार के नाम पे हमारा आज़ादी, हमारा संप्रभुता, हमारा सारे रिकॉर्ड ये सब चला जाएगा दुश्मन के हाथ में। ये हमारा, ये भी एक बड़ा खतरा है। ये आधार कार्ड के साथ जोड़ के हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम है या वेलफेयर प्रोग्राम है, इसमें बहुत लोग को वंचित किया जा रहा है। इसलिए ये तीनों है, ये तीनों जनरल है और बाकी अपना अपना तीन तीन है। ये 12 मांग लेके हम आया, मगर हमारा मांग एक है। मगर इस बार क्या हुआ, हमारा ऑलरेडी कुछ कॉल दे दिया था, हम किसान सभा जेल भरों का कॉल दिया दिया, वो ने महासभा ने भारत बंद का कॉल दे दिया। फिर जब हम मिला है, इस कॉल को परिवर्तन करना संभव नहीं है। इसलिए हम क्या किया, हम एक ही दिन में रास्ता में उतरेंगे। सरकार हमारा लक्ष्य है, तीनों का दुश्मन सामने सरकार है, तीनों का आघात करना तीनों मिलके, मगर एक ही दिन है। मगर हमारा मांग भी एक है, मगर एक्शन थोड़ा डिफरेंस है। हमारा है जेल भरो, 400 जेला हम तय किया है, और 120 जेला हुआ जहाँ 5,000 से 15,000 लोग रहेगा, 10 लाख लोग को इकट्ठा करके कर रहे हैं। और उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाने का, और हमारा दोस्तों ने हमारा समर्थन दे रहा है बाकी संगठन, ये है हमारा प्रोग्राम। और उन्होंने सेपरेट कॉल है, तो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्शन एक ही दिन में होगा। सरकार विरोधी जनता रास्ता में उतरेगा, अपना अपना मांग जॉइंट मांग लेके भी, मगर अपना अपना सेपरेट एक्शन है। ये हम क्लैरिफाई करके इस आंदोलन में उतर रहे हैं। और 9 तारीख और एक इतिहास होगा, 9 अगस्त 42 एक इतिहास हुआ था, और इस बार 9 अगस्त में लाखों लोग रास्ता में उतार के हिंदुस्तान में सरकार के खिलाफ जो वार्निंग देगा, एक नया भारत के लिए जो आवाज़ उठाएगा, ये भी एक नया इतिहास बनेगा 9 अगस्त। हमारा तीनों का ऐसा ही विश्वास है। गवर्नमेंट ऑफ मिस गवर्नेंस, यू सी जो दैट्स द पॉइंट व्हिच वी वांट टू हाईलाइट, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफ मिस गवर्नेंस। वी वांट गवर्नेंस व्हिच आर अकाउंटेबल, व्हिच गवर्नमेंट व्हिच विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल फॉर हुम दे हैव ब्रॉट देम ओवर देयर। बट ऑन ग्राउंड व्हेन वी सी everywhere there are deprived sections of society. You take women, you take youth, 2 crores jobs every year, where are they? Not even 1 lakhs filled up. Where is my youth? They are also running around all lakhs of women. They have been crying horse for 33% reservation, it's not been done. Similarly, kisan jawan, no, kisan jawan is one of the same thing.
80% of the kisans are also jawans. Our children are all over the countryside. So we request the government that we want a responsive government. We want government which functions on ground and listens to the people, the voice of the people. That's what I say, haq ki awaz. Ye hum tino ne decide karke isko aage chala rahe. Ashok ji, ye mera aakhri sawal hoga ki mujhe lagta hai Bharat ke itihas mein ye pehli baar ho raha hoga ki jawan, kisan aur jo samaj ka dalit varg hai, shoshit varg hai, wo ek saath ek itne alag alag movements ko ek saath synchronize karne ka कोशिश कर रहे हैं. पर जहाँ तक अगर भाजपा की राजनीति देखा जाए और उसे डिक्टेट तो संघ ही कर रहा है, तो अगर एक तरफ तो वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके मिनिस्टर्स और उनके एमएलएस एमपीस दलित विरोधी बयान लगातार देते जा रहे हैं, एक रिजर्वेशन को लेकर भी एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो है इस सरकार में देखा गया है कि एक तरफ आरएसएस जो है वो लगातार रिजर्वेशन के विरोध में बयान दे रही है और सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल विपरीत है. इसको लेके आपके क्या विचार हैं और जो ये मूवमेंट है इसको लेके क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, ये जो आपने बात कही कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो सरकार है, इस सरकार का जो कैरेक्टर है, भाजपा की जो सरकार का कैरेक्टर है, उनकी जो विचारधारा है, वो न तो कभी दलितों के हक में थी, ना है और ना रहेगा. भाजपा की जो विचारधारा है, ना तो वो गरीबों के हक में थी, ना है, ना रहेगी. भाजपा की जो आवाज है, किसान हो, जवान हो, उनका एक बड़ा अपना छोटा सा दायरा है सोच का. उनके लिए जवान जंग की मैदान का केवल एक ईंधन है और उनका जो राष्ट्रवादिता है, उस राष्ट्रवादिता में वो केवल ये मानते हैं कि बॉर्डर पार अगर मुसलमान है तो उससे लड़ना है, बाकी किसी से नहीं लड़ना है. तो हमको ये समझना है. दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भाजपा की रणनीति, जो आरक्षण का सवाल जो आपने उठाया, ये बात सब लोग जानते हैं कि यूथ फॉर इनइक्वलिटी, यूथ फॉर इक्वलिटी जो था, इक्वलिटी जो था, वो भारतीय जनता पार्टी वाले चलाते थे, आरएसएस वाले चलाते थे, सब लोग उसमें वही थे. ठीक है, तो उनकी तो ऑर्गेनाइज विचारधारा है जो आरक्षण के खिलाफ है, जो समावेशी समाज बनाने के खिलाफ है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, तो उनकी पॉलिटिक्स है. लेकिन हमने क्या तय किया है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक लंबा इतिहास इस देश में है. इस लंबे इतिहास में दलितों ने किसी भी ताकत से आज तक हार नहीं मानी. हमने बड़े बड़े साम्राज्य देखे, हमने बड़े बड़े राज्य देखे हैं, हमने राम का भी राज्य देखा है, हमने महाभारत के भी राज्य देखे हैं, हमने तमाम युग देखे हैं. तमाम युगों में हम अपनी मेहनत के बूते पर, अपनी काबिलियत के बूते पर, अपनी जिजीविषा के बूते पर आगे बढ़ते रहे. भाजपा हमारे मुद्दे से ध्यान भटका नहीं सकती. इसलिए हम लोग जो आरक्षण का मुद्दा है, हम बताना चाहते हैं, आरक्षण जो है इस देश में लोगों के बीच में न्याय और समता लाने का एक तरीका मानी गई थी. मैं ये भी बताना चाहता हूं, आरक्षण दलितों ने नहीं मांगा था. इस देश में पहली बार अगर आरक्षण किसी ने मांगा था तो ब्राह्मण्स ने मांगा था. दक्षिण भारत में ब्राह्मणों ने सबसे पहले आरक्षण मांगा था. तो दलित तो आरक्षण नहीं मांगते. हम तो ये मांग रहे हैं कि आप इस देश में अगर लोकतंत्र है तो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कीजिए, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कीजिए. तो लोकतंत्र के जो चूल हैं, लोकतंत्र के जो औजार हैं, उन लोकतंत्र के औजारों को आप जो है जनता के प्रतिनिधि के हिसाब से बांटिए. मैं समझता हूं ये सरकार लोकतांत्रिकरण प्रक्रियाओं के खिलाफ है और हमारा ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा का, दलित समाज का, आदिवासी समाज का ये फैसला है कि जो भी व्यक्ति समाज के लोकतांत्रिकरण के रास्ते में आएगा उसके साथ हमारा सीधा टकराव लाजमी है और हम लड़ेंगे. मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र ही है जो आज विभिन्न यूनिवर्सिटीज में, विभिन्न इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस में, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, तमाम जगहों पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लोग पहुंचे हैं. अगर ये लोकतंत्र नहीं होता, इनका बस चलता, तो हमारा एक व्यक्ति नहीं पहुंचता. तो हमारा तो कॉन्शियंस भी क्लियर है, पर्स्पेक्टिव भी क्लियर है, हमारी समझ भी साफ है. हमें पता है जो आरएसएस की विचारधारा है, जो भाजपा की विचारधारा है,
वो मनुवाद पर आधारित है, वो गैर बराबरी पर आधारित है, वो ब्राह्मणवाद पर आधारित है। और आपको भी ये पता होगा कि इस पूरा जो स्ट्रक्चर है आरएसएस का, उस स्ट्रक्चर में जब भी उनसे जात का सवाल उठाओ, नहीं नहीं हम तो जात को मानते नहीं, जात को मानते नहीं, पर जात के हिसाब से उनका उनका जो शीर्ष व्यक्ति होगा, जात के हिसाब से उनके जो प्रचारक होंगे, तो हम तो उनकी जो बात पर यकीन करने वाले नहीं है। और हम हमारी तैयारी ये है कि 9 अगस्त को तो हमने भारत बंद की कॉल दी है, जैसा कि कॉमरेड हनान मुल्ला ने बताया, हमारी सिंक्रोनाइज कॉल है। एक तरफ वो गिरफ्तारी देंगे, दूसरी तरफ हम देश को बंद कराएंगे, उधर जवान हमारे साथ खड़े होंगे, इनके साथ भी खड़े होंगे, हमारे साथ भी खड़े होंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, 9 अगस्त इज नॉट द एंड, 9 अगस्त शुरुआत है। और अभी शुरुआत कैसी होगी ये 9 अगस्त को बताएंगे। मैं हनान मुल्ला साहब के पास सहमत हूं कि 9 अगस्त 1942 के बाद पहली बार देश की सड़कों पर एक ऐसा जन सैलाब उतरेगा कि सरकार को अपने जो एजेंडे हैं उसके बारे में उसको जवाब मिल जाएगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि बस अब नहीं सहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, और न्यूज़क्लिक लगातार ऐसे मुद्दों को आपके साथ कवर करता रहेगा। धन्यवाद। The three organizations have given a call and they are going to come on the streets on 9th of August. Keep following Newsclick for these movements, for coverage of these movements and these protests. And also, they have given a warning to the Modi government that they should mend their ways. That's all the time we have for today. Keep following Newsclick.